ऑलिम्पिक मधून भालाफेक स्पर्धेमध्ये नीरज चोप्रानं रौप्य पदक पटकावलंय. भारताचं सुवर्ण पदकाचं स्वप्न हुकलेलं आहे, मात्र रौप्य पदक नीरज चोप्रानं पटकावलेलं आहे. ॲथलेटिक्समध्ये भारताला आजवर एकाच खेळाडूकडून दोन पदकं मिळालेली आहे, तर पाकिस्तानच्या खेळाडूंना ऑलिम्पिकमध्ये रेकॉर्ड बनवत सुवर्ण पदक जिंकल्याचं पाहायला मिळत आहे. तर भालाफेकमध्ये पाकिस्तान आणि भारताचा नीरज चोप्रा, पाकिस्तानचा एक खेळाडू त्याचबरोबर भारताचा नीरज चोप्रा हे दोघे होते. यावेळेला नीरज चोप्रानं इथं रौप्य पदक पटकावलेलं आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्ताननं गोल्ड मेडल मिळवलेलं आहे. तर या एकाच खेळाडूकडून आजवर भारतानं दोन पदकं मिळवलेली आहेत आणि पाकिस्तानच्या खेळाडूंना ऑलिम्पिक रेकॉर्ड बनवत सुवर्ण पदक जिंकलंय. दरम्यान नीरज चोप्रानं दमदार कामगिरी केल्याचं या ठिकाणी पाहायला मिळालं. पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है, और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे. और अच्छा रहा है टोटली, अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है. टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रॉन्ज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें. इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है. ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं. कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे. नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड करने लग रहा है. गोल्ड उसका आएगा, वो बीमार है लड़का, जी मेहनत करके सब जा रहे. कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के, खिलाड़ी के. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.